नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक हफ्ते से मैंने कोई रेसिपी नहीं डाला है अपने चैनल पे। मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, कहाँ बिजी थी, आप उसको अगर मैं आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं, उसका नाम है वंदनाज वर्ल्ड, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि मैं कहाँ बिजी थी। और हर एक रेसिपी के एंड स्क्रीन पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक इंडिकेशन, वहाँ पर एक पिक्चर मेरा दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सीधा मेरे व्लॉगिंग चैनल पे पहुँच सकते हैं। अगर जाए आप देखें, अगर मैं अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर मैं अच्छा लगे तो। अब आती हूँ आज के रेसिपी पे। आज का रेसिपी हमारा बहुत ही सिंपल है, जैसे और वो है चटनी। आपने दाल चावल बनाया, सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है, और कुछ कुछ लोग बिना सब्जी का मतलब खाना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैं हूँ, मुझे भी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं आप दाल चावल बना रहे हैं, सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है, आप उस जगह पे इस चटनी को आप बनाएंगे ना, तो पूरा मतलब आपका सब्जी का काम कर देगा, आपको अलग से सब्जी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी ये चटनी होता है, कहने को ये चटनी है लेकिन ये पूरा सब्जी का काम करेगा। इवन मैं ये बता रही हूँ कि सब्जी से ज़्यादा टेस्टी ये चटनी लगेगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। हमें इंग्रेडिएंट्स में बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, छोटे साइज़ का प्याज है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 5 कली ले लिया है लहसुन का, और ये स्किन के साथ है। और यहाँ पे स्पाइसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ मैंने हरा मिर्च ले लिया, थोड़ा तीखा बना रही हूँ मैं। और एक हैंडफुल मैंने हरा धनिया, आधा मैंने नींबू लिया है, और ये काला नमक है। काला नमक है तो आप डालो, इससे और टेस्ट निखर के आता है। अगर मैं नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ये प्लेन नमक है, स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है। ये जो सब्जी हमने लिया है इसको हमें भुनना है आँच पे। इसके लिए हमें करना क्या है, इस तरह का मैंने जाली ले लिया, जिस चीज़ पे आप भून सकते हो उस पे आप भूनो। मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और टमाटर जो है इसमें थोड़ा सा हम कोई भी तेल लगा देंगे, ताकि भुनने के टाइम पे इसका स्किन तितर बितर ना हो, इधर उधर ना हो। टमाटर रख दिया, प्याज भी रख दिया, और ये लहसुन जो है ये भी हमने स्किन के साथ इसी पे रख दिया, और ये हरा मिर्च भी हम इसी पे भून लेंगे। हमने आँच को मीडियम पे कर रखा है, क्यों, क्योंकि मिर्चा भी भून रही हूँ तो ये जल्दी जल जाएगा। इसको बस थोड़ा सा हम सोना करके निकाल के फिर हम फ्लेम को थोड़ा तेज करूँगी, अभी मीडियम आँच पे है। अगर मैं आपके पास ऐसा ना स्टैंड ना हो ना, तो आप एक काम करें, मिर्चा को तवे पे भी भून सकते हैं। इसी तरह से हमें भून करके निकाल लेना है सारा मिर्चा। मिर्चा निकाल लिया, लहसुन को भी इसी तरह से हम भून कर निकाल लेंगे। अब मैंने फ्लेम को हाई पे कर दिया है, तो मीडियम हाई पे। टमाटर का स्किन हमने नहीं निकाला है, प्याज का स्किन हमने इसलिए निकाला है कि क्योंकि जो वो इसमें स्किन रहता है ना, जब हम भूनेंगे ना तो वो जलने लगेगा, उस पर आग पकड़ लेगा, इसलिए हमने स्किन को प्याज के स्किन को निकाल दिया है। ऐसे इस तरह से हमारा सोना ये भुनेगा। हर एक वेजिटेबल का टाइमिंग अलग अलग होता है, सिकने का, पकने का। हमारा देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर भी हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। प्याज अभी हमें भुनना है। यहाँ पे हमारा प्याज भी हो गया है, देख सकते हैं आप। अब आँच को हम बंद कर देंगे, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को भून करके निकाल लिया है। अब इन सबको कम्प्लीटली ठंडा करके हमें इसको पीसना है। ये एकदम ठंडा हो गया है, और प्याज जो आप ये मत सोचना कि ये कच्चा होगा, ये जब हमने भुना है ना, पूरा इसका रॉ फ्लेवर जो है निकल गया है, इतना बढ़िया ये पक गया है फ्लेम के ऊपर। अब इसका किसी भी चीज़ का स्किन हमें नहीं निकालना है, सीधा हम लेंगे एक जार, मिक्सर जार, इसमें सारा इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे, साथ में हमें सब डाल के पीसना है। ये डाल दिया, मिर्चा, लहसुन का भी बिल्कुल भी स्किन हमने नहीं निकाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है इसका। और ये हरा धनिया पूरा डाल देंगे इसमें। अब इसमें ये आधा नींबू का रस है, ये डाल देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो टमाटर है बहुत जूसी है, उसके पानी से मतलब उसके जूस से बराबर से पिस जाएगा। स्वाद अनुसार नमक हम डाल देंगे, काला नमक और ये रेगुलर नमक लिया है। अब इसको हमें बारीक पीस लेना है। यहाँ पे मैंने पीस लिया एकदम बारीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी एकदम
चटनी बनकर रेडी हो गया है। आप इसको ना सिर्फ राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी ये चटनी लगता है सिर्फ और सिर्फ राइस के साथ ही, और पूरा एकदम सोना सोना फ्लेवर इस चटनी में आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। ये एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना इस तरह की चटनी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये रेसिपी आप देखेंगे ना नेक्स्ट डे ही आप ये चटनी बनाकर खाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स ढूंढना ही नहीं है और भरपूर स्वाद से भरा सब्जी का काम कर रहा है। आशा करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।